रेकी, हीलिंग, मेडिटेशन, एंजल थेरेपी, पास्ट लाइफ रेगुलेशन, थर्ड आई और कुंडलिनी रेकी जैसी 65 से भी ज़्यादा ऑल्टरनेटिव थेरेपी सीखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और साथ में लगे बेल आइकन पे ऑल प्रेस करें ताकि लगातार हमारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आध्यात्मिक विकास मिशन के इस यूट्यूब चैनल पर और आज हम बात करने जा रहे हैं वास्तु के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बिना घर को तोड़े, बिना घर को नुकसान पहुंचाए आप घर का वास्तु ठीक कैसे कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी बारे में हम बात करेंगे आज। हम हज़ारों सालों से वास्तु के बारे में सुनते आ रहे हैं, इवन कि हमारे ग्रंथों में भी कई जगहों पे, कई स्पिरिचुअल बुक्स में वास्तु के बारे में बताया गया है कि घर का वास्तु अच्छा होना चाहिए। घर की वास्तु से घर की एनर्जी पॉजिटिव होती है, घर में कोई बीमारी नहीं आती, सब लोग खुश रहते हैं, रिलेशनशिप अच्छे रहते हैं। मगर आज की डेट में जब हम वास्तु की बात करते हैं तो वास्तु के बारे में बताया जाता है कि यहाँ से बाथरूम हटाओ, यहाँ रखो, किचन यहाँ होना चाहिए, बेडरूम इस दिशा में नहीं इस दिशा में होना चाहिए। मगर दोस्तों, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिसमें बिना कोई चेंजेस करें आप घर की एनर्जीज़ को पॉजिटिव कर पाओ, घर के अंदर के वास्तु दोषों को ख़त्म कर पाओ। जी हाँ, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा घर के वास्तु दोषों को दूर करने के लिए या घर की नेगेटिव एनर्जी को निकालने के लिए सबसे आसान और बेस्ट उपाय है नमक। जी हाँ, नमक। आप अगर अपने घर में नमक के पोछे लगाते हो, आप अपने घर में नमक को, जो सेंधा नमक का पत्थर होता है, उसको घर के हर अलग अलग कोनों पर रखते हो, आप नमक का पाउडर या उस नमक को अपने वॉशरूम में रखते हो, तो जहाँ जहाँ वो नमक है वहाँ तो ये बात पक्की है कि नेगेटिव एनर्जी वहाँ आ नहीं सकती, रुक नहीं सकती, ठहर नहीं सकती। तो आपका वास्तु ऑटोमेटिकली होना शुरू हो जाएगा। आपके घर में जब पॉजिटिव एनर्जी होगी तो वास्तु दोष ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, कपूर बहुत अच्छा माध्यम है। अगर आप कपूर को जलाएं, कुछ इस प्रकार से जलाएं कि काला धुआं ना हो, उसकी खुशबू घर में फैलें, और दिन में ये एक बार कर लें तो उससे भी घर की शुद्धि हो जाती है। जैसे आपने घर में हवन किया हो, या हवन सामग्री भी कुछ लोग जला सकते हैं, मगर हवन सामग्री से बहुत सारे लोगों को बहुत सी समस्याएं होती हैं। इसके अलावा दोस्तों, एक सेज आता है, सेज इस तरह के कुछ पत्तियां होती हैं, ये एक जड़ी बूटी है, इसको शुद्धि के लिए, क्लीनिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये फॉरेन से आती है, इंडिया में ये अवेलेबल नहीं होती। सेज, आपने कुछ नहीं करना, आपने कुछ भी, जैसे हम पंचीजन्य जलाते हैं या कोई भी उपला जलाते हैं, कोई भी चीज़, उसको उसमें ये थोड़े से दो चार पत्ते, चुटकी भर पत्ते आपने उसको रखने हैं, तो इसकी फ्रेग्रेंस, इसकी खुशबू से घर में किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी होगी वो घर से निकलना शुरू हो जाएगी, वो चले जाएगी, घर पर रुक नहीं पाएगी, टिक नहीं पाएगी। दोस्तों, इसके अलावा एक और रामबाण इलाज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक होता है कैम्फर लैम्प, जिसको चमत्कारी दिया भी कहते हैं, क्योंकि सच में इसके बहुत सारे चमत्कार हैं। दोस्तों, ये है चमत्कारी दिया, इसको कैम्फर लैम्प कहते हैं। उसको जलाने का ये फ़ायदा है कि आप अपनी दुकान में, अपने ऑफिस में, अपनी फैक्ट्री में, जहाँ पे भी इस कैम्फर लैम्प को जलाते हो, ये उस जगह की सारी नेगेटिव एनर्जी को खींचता है और अपने अंदर जला देता है। जैसे जैसे इस कैम्फर लैम्प को आप डेली जलाते जाओगे तो आप देखोगे कि अंदर नेगेटिव एनर्जी बन जाती है, अगर घर में नेगेटिव एनर्जीज होती है तो, और जिस घर में नेगेटिव एनर्जी नहीं होती, इसके नीचे नेगेटिव एनर्जी नहीं दिखती। आपको इसको जलाने से ये भी पता चलता है कि कौन सा इंसान नेगेटिव है जो मेरे घर में आया। मान लो इसके अंदर नेगेटिव एनर्जी दिखती नहीं है, तभी एक दिन आपके घर में गेस्ट आते हैं और उसके अंदर नेगेटिव एनर्जी आ जाती है, मतलब वो इंसान आपके प्रति, आपके घर के प्रति पॉजिटिव नहीं है, कुछ गलत सोचता है। आपके घर में कोई इंसान बीमार है, स्ट्रेस में है, टेंशन में है, दुखी है, तो भी ये उस नेगेटिव एनर्जी को, बीमारी की नेगेटिव एनर्जी को भी अपने अंदर खींचता है, उसको जला देता है। इवन कि जिन घरों में कोई साइकिक एनर्जी होती है, दुष्ट एनर्जी होती है, नज़र लगी होती है, तो ऐसे में भी आपको बताता है कि इस घर में नेगेटिव एनर्जी है,
इसका हाव भाव चेंज हो जाता है जब ये जलता है, तो या तो ये बदबू करता है या धुआं निकालता है या कभी कभी इसमें से कुछ आवाज़ें भी आती हैं। इसका मतलब उस घर में नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा है। कोई भी इंसान अगर इस दिए को अपने घर में कम से कम 30 दिन से लेके 100 दिन तक जलाता है तो आपके घर का वास्तु दोष ख़त्म हो जाता है। बिना कुछ तोड़े सबसे ईजी और सरल उपाय वास्तु दोष को ठीक करने के लिए। इसके अलावा दोस्तों, जिन घरों में पूजा पाठ होता है, हवन होता है, जो लोग रेकी जानते हैं, मेडिटेशन करते हैं, अपने घर को हील करते हैं, दोस्तों कुछ ऐसे क्रिस्टल्स भी होते हैं, जैसे मेरे हाथ में ये एमेथिस्ट क्रिस्टल है, ये एमेथिस्ट क्रिस्टल भी घर में नेगेटिव एनर्जी को नहीं आने देता। एमेथिस्ट क्रिस्टल को भी अगर आप अपने दरवाजे पे कहीं लगा दो, दरवाजे में ऊपर या दरवाजे के अंदर कहीं लगा दो, तो नेगेटिव एनर्जी घर में एंटर ही नहीं हो सकती। अगर घर के चारों कोनों में ये एमेथिस्ट क्रिस्टल रख दिया जाए तो नेगेटिव एनर्जी आपके घर में टिक ही नहीं सकती। इस बारे में दोस्तों और जानने के लिए आप हमारे नंबर्स पर कॉल कर सकते हो, हमारी मदद ले सकते हो। आगे आने वाले टाइम में हम और भी इस तरह की बहुत सारी वीडियोस आपके लिए लेके आने वाले हैं। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हो तो याद से हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो, साथ में लगे बेल आइकन पे ऑल दबाओ, ताकि सारी मेडिटेशन, सारी वीडियो, सारी नॉलेज आपको मिल सके और आपका आध्यात्मिक विकास हो सके। वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें अपने क्वेश्चंस, अपने एक्सपीरियंस। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।